हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का जज ने। चलिए फ्रेंड्स, गोवर्धन जी की पूजा के लिए चलते हैं हम लोग। और आप सबको भी आपके लिए भी बहुत बहुत शुभ दिन। आज का गोवर्धन जी की पूजा होती है, प्रतिमा लगाई जाती है। तो फिलहाल हमारे घर के पास बहुत अच्छी सजावट वगैरह, गोवर्धन बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, हम लोग वही देखने जा रहे हैं। और उसके बाद आके हमें घर पे भी करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फिर वो देखने को नहीं मिलेगा जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अब चलते हैं जहाँ पे गोवर्धन बहुत ही सुंदर बनाया गया है। बहुत अच्छा एक छोटा सा उन्होंने प्रोग्राम जो हर साल रखते हैं, बस फर्क इतना है कि हम हमेशा लास्ट में जाते हैं और आज कुछ जल्दी जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उस प्रोग्राम में, उस पूजा पाठ में हम भी शामिल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ पहुँचे हम उस जगह पे जहाँ पे ये बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही प्यारी एक मूर्ति उतारी गई है जो गोवर्धन जी की है, मतलब कान्हा भगवान जी की, जो अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। और बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरती और बहुत कलरफुल तरीके से बनाई गई है। ये खुद ये इसे बनाते हैं, कितने घंटों लगते हैं इसे बनाने में, लेकिन जब ये बन के तैयार होती है तो ऐसा लगता है साक्षात कान्हा खड़े हुए हैं हमारे अपनी एक उंगली पे, छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं पूजा यहाँ पे आके, और उसके बाद जो इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी उसमें भी आप लोग ज़रूर शामिल होंगे मेरे साथ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पूरा प्रोग्राम देखिए आप भी, और मेरी वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद हमारे घर में भी पूजा होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इनके दर्शन और लेते हैं हम भी इनके दर्शनों का पूरा फायदा, और मांगते हैं जिस जिसको जो जरूरत है हम भी मांगते हैं अपने उससे। चलिए फ्रेंड, अब हम घर पे आ गए हैं और अपने घर की भी हमने गोवर्धन पूजा शुरू कर दी है। इस तरीके से देखिए, एक थाली पे सातिया मार के उसके बीचों बीच दिया जलाया जाता है और खील बताशे से उनका पूजन होता है। और उसके बाद जो होते हैं, जो ये चारों तरफ फेरी लगा के करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरीके से होती है हमारे घर में ये गोवर्धन की पूजा, ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कर दी अब हमने पूजा शुरू, आप भी देखिए कैसे होती है। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये गोवर्धन की पूजा होती है जी की जय। और इसी में मैंने थोड़ा सा अपना जो अगले दिन का मैंने आज का बनाया है भैया दूज का ब्लॉक अपना, वो मैंने इसी में प्लस कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि सारे दिन बहुत काम था मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स ये आज सुबह भैया दूज का मेरा ब्लॉक है जो मैंने इसी में जोड़ दिया अपना ब्लॉक, क्योंकि थोड़ा ही बना था और घर में आपको पता है त्यौहार वाले दिन ज़्यादा ही काम होता है तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पाई। कुछ आज ऐसा भी तबीयत वगैरह जैसे हो रही थी कि जो मैं सारे दिन का आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो फिलहाल दिव्या अपने दोनों भाइयों के टीका कर रही है, उन्हें मीठा खिला रही है फ्रेंड्स, और इसी के संग आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ हो भैया दूज का दिन फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप सबको मेरी फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, आप सबको मेरी।